हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं झज्जर जिले में शहरी क्षेत्रों के बाद अब कोरोना का संक्रमण ग्रामीण अंचल में भी बढ़ रहा है। यहां पर लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं वो एक चिंता का बड़ा कारण बने हुए हैं। झज्जर के भूरावास में जहां एक बुजुर्ग कोरोना संक्रमित पाया गया है, मदाना गांव में 10 साल का बच्चा भी कोरोना संक्रमित पाया गया, और इसी के साथ झज्जर जिले में कोरोना का आंकड़ा अब 105 तक पहुंच गया है, जबकि एक्टिव केस की संख्या 13 है। दो गांव में मिले कोरोना के मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। झज्जर जिले में आज दो कोरोना के नए जो मरीज आए हैं, दोनों मरीज हमारे पास थे जिनकी सैंपलिंग बाहर हुई है, उनकी सूचना प्राप्त हुई कि वो झज्जर जिले के रहने वाले, उनका इतिहास खंगाला गया है। वो एक मदाना गांव के रहने वाले हैं और दूसरे व्यक्ति भी हमारे जिले से बिलोंग करते हैं, दूसरे सालावास ब्लॉक से किसी गाँव से बुरावास से। टोटल कितने लोग कुल मिला करके हमारे पास 105 केस हो गए हैं। हरियाणा में